ओम नमः शिवाय। माघ मास कृष्ण पक्ष शनिवार षष्ठी तिथि दिन में 4:20 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा हस्तिनी नक्षत्र में दिन में 3:05 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। हस्तिनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी स्वयं चंद्रदेव ही हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, कल्पनाशील, उदार, प्रसिद्धि पाने वाले, धर्म कर्म में लगे रहने वाले, दूसरों का उपकार करने वाले, सफल व्यापारी, सिद्धांतों एवं वेदों के ज्ञाता, परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी मगर माता पिता के कष्ट से पीड़ित रहने वाले भी होते हैं। यदि अनुकूल समय रहा, सहयोगी लग्न रहा, बुध और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुधदेव हैं। आज के चंद्रमा पर मंगल की सप्तम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि और केतु की नवम दृष्टि कायम रहेगी। मगर नक्षत्र चंद्रमा का ही होगा, जिससे प्रबल विश्वास और सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। बड़े बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों से सकारात्मक दिशा निर्देश मिलता रहेगा, मगर समय समय पर हर कार्य करने के प्रति जल्दबाजी, उतावलापन और मानसिक व्यग्रता हो सकती है। मगर धैर्य और संयम से यदि कार्य करते रहे तो हर क्षेत्र में सफल रहेंगे। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा और सम्मान के पात्र बनेंगे। आज हस्तिनी नक्षत्र है, ऐसे नक्षत्र में किसी से ऋण या कर्ज नहीं लेना चाहिए, अन्यथा तरह तरह की परेशानियां संभावित हैं और चुकता करने में विलंब हो सकता है। आज का राहु काल प्रातः 9:00 से 10:30 तक बना रहेगा। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र को विकसित करने वाला होगा। क्रियाशीलता और आत्मविश्वास बढ़ी रहेगी। साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे और कार्य क्षेत्र के निरंतर विकास की मानसिकता बनी रहेगी। धन लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर मानसिक स्तर पर कभी कभार निर्णय लेने की क्षमता, उत्साह और रचनात्मक सक्रियता में उतार चढ़ाव के साथ ही मन में शंकालु प्रवृत्ति और धन हानि की आशंका भी बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय सावधानीपूर्वक लेने चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक रूप से उग्रता बनी रहेगी। निर्णय लेने में आक्रोश और जल्दबाजी संभावित है। आज चंद्रमा का नक्षत्र है, किए गए प्रयास सार्थक होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। आत्मविश्वास में कमी का संकेत भी मिलता है। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पहले की चली आ रही योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। आपका कार्य सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के लिए आज का समय उपयुक्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुष्टि दिलाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी। संतान संबंधी मामलों में और आवश्यक संसाधनों के उद्देश्य से निवेश की स्थिति संभावित है, मगर आज का दिन कार्य ऊर्जा में ह्रास, आत्मविश्वास की कमी और भ्रमात्मक स्थिति के उतार चढ़ाव के में सुधार के प्रति भी केंद्रित होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। शारीरिक ऊर्जा और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनी रहेगी। इच्छा शक्ति आपके हर कामों को सरल और सुविधाजनक रूप से संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। घर गृहस्थी संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में वैचारिक मतभेद, सही निर्णय लेने में गड़बड़ी और दोषारोपण की स्थिति संभावित है। संतान संबंधी मामलों में कुछ चिंता लगी रह सकती है और अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का समय आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोगी और सकारात्मक रूप से अधिकतर मामलों में शुभ फलदायी होगा। महत्वपूर्ण कामों में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और कार्य क्षेत्र में विकास की मानसिकता बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिलते रहेंगे। आर्थिक लाभ के साथ खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, सफलता संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए धन संबंधी अपेक्षाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ का योग बनता है। मित्रों व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव शामिल होंगे। साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सहोदरों से वैचारिक मतभेद, धन हानि, दोषारोपण, मानसिक अस्थिरता का अंदेशा बनता है, मगर संतान संबंधी सहयोग जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने में सावधानी के साथ नेतृत्व करने की प्रवृत्ति, संबंधित मामलों में वाद विवाद और अतिरिक्त कार्यभार का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र के प्रति यात्रा व विकास की मानसिकता और नई कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी। प्रस्तावों को लागू करना और उनका प्रबंधन सुचारू ढंग से होता रहेगा, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा और बड़ों का सहयोग कामों को सरल बनाएंगे और साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, मगर कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर कुछ मामलों में आज का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला होगा। अनचाही यात्रा की संभावना भी बनती है और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। संतान संबंधी मामलों में चिंता का माहौल बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। नई योजनाओं के लाभकारी प्रस्ताव सामने आएंगे, यथासंभव आप उनको लागू करते जाएंगे, मगर कुछ मामलों में मन का अंतर्द्वंद परेशान करेगा। विचारों में अचानक परिवर्तन का दौर संभावित है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी अनुकूलता मिलेगी। वैवाहिक प्रयास सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और सुचारू ढंग से चलाते रहने की प्रवृत्ति बनेगी और आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में सफलता संभावित है, मगर कुछ मामलों में आज का समय कार्य क्षेत्र में अचानक उपलब्धि या सफलता का संकेत देता है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और आपका आत्मविश्वास आने वाली समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है। वाद विवाद से परहेज करें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल होगा, मगर कुछ मामलों में आज का समय भ्रमात्मक स्थिति को जन्म देगा। उत्साह में कमी और कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है। विरोधियों से साजिश की संभावना बनती है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। विवादित मामलों से दूर रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक अस्थिरता, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र में रुकावट का संकेत मिलता है। कार्य ऊर्जा में कमी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। हालांकि आय संबंधी मामले और निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए टाल दें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए परिस्थितियों पर ध्यान दें। संतान संबंधी मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। अधिक जोखिम वाले कामों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।